हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिव्यून विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन द पेपर टू अगर आपका पेपर टू कॉमर्स है तो महाराष्ट्र सेट जो एग्जाम हुआ था डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी में तो अभी लास्ट सेट हुआ था अभी कमिंग जो सेट होने वाला है वो आपका कुछ ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सप्टेम्बर को होगा तो प्रीवियस ईयर के जो कॉमर्स का पेपर था उसके एम सी की उसको हम डिस्कस करेंगे विद डैट ऑल्सो वी विल भी डिस्कसिंग दी एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन तो दिस इज द पार्ट वन इस पार्ट वन में हम टोटल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ और ये जो पी डी एफ है ये पी डी एफ को मैं शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम के चैनल के ऊपर और ऐप के ऊपर तो ऐप आप में आपको काफ़ी सारे पी डी एफ्स फ्री में मिलेंगे तो ऐप डाउनलोड कर लें लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और प्री स्टडी मटेरियल के टैब में जाके आपको पेपर वन और पेपर टू अगर आपका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है तो बहुत सारे एम मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करके रखे हैं तो उसका बेनिफिट आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है तो ऐप को डाउनलोड करना ना भूले तो शुरू करते हैं आज का सेशन एंड दैट विल बी पेपर टू सेट का जो एग्जाम हुआ था उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो कुछ पॉजिटिविटी से हम हमेशा शुरू करते हैं वेल देर इज अ विल देर इज अ वे ठीक है well, will, आज का जो पॉजिटिविटी कोट है बहुत पुराना कोट है सभी इसको जानते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट विद आर एस एम सबका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में एड किया गया है क्वेश्चन नंबर वन अंकटाड इज एस्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन डैश एंड इट्स हेडक्वार्टर इज एट डैश ठीक है अंकटाड आप सभी को पता होगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है तो अंक टाड़ जो है अंक टाड़ जो अंक टाड़ है कहाँ फॉर्म तो, हुआ था कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था ये ऑप्शन फोर जीनीवाइनटीन सिक्सटी फाइव न्यूयॉर्क नाइनटीन सिक्सटी फोर पैरिस नाइनटीन सिक्सटी फाइव जीनीवा तो ध्यान से ंकटार जो है 1964 सिक्सटी ईयर में जीनीवा में फॉर्म किया गया अभी थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं देखो फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉलडेस अंकटाड फॉर्मड कब हुआ 1964 में इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है जीनीवा स्विट्जरलैंड में है ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने कंसेप्ट डाले हैं इट इज एन परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी डीलिंग विथ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होंगे उनके जो ट्रेड के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो इश्यूज को हैंडल करने का ये, ये जो इश्यूज को सॉल्व करने का काम कौन करता है दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स भी आपको पूछा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ मेम्बर्स कितने हैं वन हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वी आर हैविंग और इट्स अ फोरम बेसिकली वेयर डेवलपिंग कंट्रीज कैन डिस्कस द प्रॉब्स ऑफ दियर इकनॉमिक डेवलपमेंट तो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज दैट कांडली एंटरटेन दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लमली सॉल्व इन दी अंकट आड़ तो अंकटाड़ कब फॉर्म हुआ नाइनटीन सिक्सटी फोर में याद रखना है आपको और इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे है जीनीवा स्विटरलैंड में है अगले क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट वॉज रिलेटेड विद आई एम एफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश इन जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन एज प्रोजेक्टेड वर्ल्ड आउटपुट टू ग्रो एट डैश पर्सन तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है इसके लिए आपको आई एम एफ की वेबसाइट देखने पड़ेगी कि जो लेटेस्ट अपडेट्स है जो लेटेस्ट पॉइंट्स है रिलेटेड टूगी बिकॉज आजकल करंट अफेयर्स के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं तो बेसिकली इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में क्वेश्चन है और उसका जो प्रोजेक्टेड वर्ल्ड आउटपुट है वो कितने परसेंट से ग्रो करेगा ये बात पूछी है 3.8, 3.7, 3.5 या 4.1 तो उसका जो आउटपुट है वो 3.5 परसेंट से ग्रो करने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ट्रेडिंग ब्लॉक्स तो बहुत सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स फॉर्म हुए आप सभी को पता होगा ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है दैट इज रिलेटेड विद योर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एशियन है सार्क है ओपेक है ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स है नाफ्ता है फिर एशियन uh, है फिर यूरोपियन यूनियन है तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है एक्स पहला स्टेटमेंट कहता है मेक्सिको इज अ मेंबर ऑफ नाफ्ता और वाई स्टेटमेंट कहता है नाफ्ता स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 1994 तो इसके लिए आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जो भी ट्रेडिंग ब्लॉक्स के उसका क्रक्स मैंने यहाँ पे डाला हुआ है तो मेक्सिको मेंबर है क्या नाफ्ता का नाफ्ता का फुल फॉर्म क्या है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और कब फॉर्म हुआ था फर्स्ट जनवरी 1994 में तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है एक्स एंड वाई ये ट्रू है ठीक है ये थोड़ा सा डिटेल नाफ्ता से रिलेटेड नाफ्ता कब फॉर्म हुआ 1994 में और आपको कोड याद रखना है सिर्फ क्या कोड याद रखना है यू ठीक है यू सी एम यूसी मी ऐसे कुछ भी आप याद रख सकते हो कि तीन कंट्रीज है इसके अंदर यूएस कैनेडा एंड मेक्सिको ठीक है एग्रीमेंट बिटवीन यूएस मेक्सिको एंड कैनेडा टू सप्लीमेंट नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटलेशन एंड नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन लेबर कोऑपरेशन भी याद रखना इसके दो सप्लीमेंट कौन से है ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इन विच ईयर इट वॉज फॉर्म इट वॉज फॉर्मड इन दर फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नाइनटी फोर और सप्टेम्बर टू थाउजेंड एटीन में नाफ्ता को नया नाम दिया गया नाफ्ता जो है वो पुराना नाम है इसका नया नाम अगर हम देखा जाए तो नाफ्ता इज कॉल्ड एस यूएस एमसीए मतलब यूएस मेक्सिको कैनेडा एग्रीमेंट ठीक है तो क्या इसका नया नाम रहेगा यूएस मेक्सिको कैनेडा एग्रीमेंट तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये पूरा पूरा जो नाफ्ता है उसका क्रक्स है अगर इतना भी आप पढ़ लोगे दैट विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर योर ट्रेडिंग ब्लॉक्स रिविजन नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्टेटमेंट कहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ओनली विजिबल गुड्स एंड वाई स्टेटमेंट कहता है इट कम्प्राइजेस ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो उसके थ्री कंपोनेंट्स है नंबर वन आपका होता है कैपिटल अकाउंट नंबर सेकेंड करंट अकाउंट और नंबर थर्ड आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी जिसको हम एरर्स एंड ओमिशंस अकाउंट भी कहते हैं तो जो आपका करंट अकाउंट है करंट अकाउंट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है एक होता है विजिबल और इनविजिबल इनविजिबल की अगर बात करें दैट इज रिलेटेड विद योर सर्विसेज और अगर विजिबल्स की बात करें तो दैट इज रिलेटेड विद योर गुड्स तो जो भी गुड्स से रिलेटेड होता है तो हम क्या करते हैं उसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का डिफरेंस देखते हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का जो भी डिफरेंस है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का डिफ्रेंस लेंगे तो दट इज कॉल्ड एस बैलेंस ऑफ ट्रेड यही हमको स्टेटमेंट नंबर वन में कहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ओनली विजिबल गुड्स और सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा इट कम्प्राइजेस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड तो दोनों के दोनों यहाँ पे सही है बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल चीजें ही आती है इनविजिबल जो होती है इनविजिबल जो हमारे सर्विसेज है फैक्टर पेमेंट्स है तो बेसिकली ये हमारे इनविजिबल पॉइंट्स में आते हैं और विजिबल और इनविजिबल्स को अगर हम ऐड कर लेंगे उनके बैलेंस को दैट विल बी बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ठीक है चलो तो ये भी हमारा पॉइंट सही है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अगला पॉइंट विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड स्ट्रेटेजी प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ नेशनल्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व तो ध्यान से देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ये इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसका ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इसका ऑब्जेक्टिव है लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ नेशनल्स इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है तो यहाँ पे नहीं पूछा था तो राइट्स ऑफ नेशनल्स को प्रोटेक्ट करना यह हमारा प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड स्ट्रेटेजी का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है नेक्स्ट आपके लिए मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ग्रुप ए में आपको दिया है इंस्टीट्यूशंस एंड इवेंट्स और ग्रुप बी में आपको इसके ईयर्स दिए तो आपको पेपर में ईयर्स भी पूछे जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो गैट जो है जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस अगर बात करें तो आई और आई जो हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड जो हमारा आई बी आर डी दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यूरोपियन कम्युनिटी ऐसे आपके चार पॉइंट्स हैं तो गैट कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था गैट आपका फॉर्म हुआ था नाइनटीन फोर्टी सेवन में फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आपका नाइनटीन फोर्टी फोर में फॉर्म हुआ था नाइनटीन फोर्टी फोर फोर्टी फाइव के आसपास फिर uh, जो आपका इंटरनेशनल सॉरी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुआ था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस आपका इंटरनेशनल uh, जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस है उसमें वो 1944 में और आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों 1945 में फॉर्म हुए थे और यूरोपियन कम्युनिटी uh, जो है दैट वाज इन द ईयर 1957 तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दैट विल बी रिलेटेड विद योर आंसर ये था आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन जो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड अंडर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो इनमें से कौन सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मेथड नहीं है बिल्कुल सिंपल है तो आपको पता होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है होली ओन सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर एक्विजिशन ये बहुत सारे टाइप के मेथड्स है कॉन्ग्लोम ऐसे बहुत सारे टाइप के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लेकिन इनमें से ऑर्डमैन आउट निकालना है जी और ए आप सभी को ये कंसेप्ट पता होगा तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स विच इज कॉल्ड एज जी

एफडीआई जो अलाउ होता है वो हंड्रेड परसेंट ऑटोमेटिक रूट से भी अलाउ होता है और गवर्नमेंट के परमिशन से भी अलाउ होता है फिलहाल यहाँ पे हंड्रेड परसेंट ऑटोमेटिक रूट की बात कर रहे हैं तो किसमें अलाउड नहीं है तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय द पब्लिक सेक्टर यूनिट इसमें अलाउड नहीं होगा हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑटोमेटिक रूट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी हो जाएगी तो इस राइट right आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट इज योर अकाउंटेंसी कंसेप्ट तो आपको पता होगा कंसेप्ट एंड कन्वेंशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मटीरियालिटी कंसेप्ट गोइंग कंसर्न ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर हमेशा पेपर में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ओमिशन ऑफ द पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेज ऑन तो पैसे को ओमिट करना हम देखो हम बैलेंस शीट में कभी ऐसा नहीं लिखते ना वन लैख फोर थाउजेंड पॉइंट ट्वेंटी फाइव पैसे या पॉइंट फिफ्टी पैसे हम क्या करते हैं राउंड फिगर करते हैं तो ये जो राउंड फिगर करने का टेक्निक है या राउंड फिगर किया जाता है ये कौन से कंसेप्ट के बेसिस पे ऐसा बोला गया है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मटीरियालिटी कंसेप्ट या रियलाइजेशन का तो ये जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द मनी तो दैट इज इट विल बी रिलेटेड विद जो भी चीजें पैसे से रिलेटेड हम प्रेजेंट करते हैं उसको हम कौन से कंसेप्ट से डील करते हैं दैट इज रिलेटेड विद मटीरियलिटी कंसेप्ट इसका राइट right आंसर आपका बनेगा मटिरटी कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डीनोट्स अ टारगेट कॉस्ट तो आपको पता होगा टारगेट कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें हम क्या करते हैं प्रोडक्ट बनाने से पहले ही हम कॉस्ट सोच के रखते हैं कि इतने कॉस्ट में हमें चीजें बनानी है या इतने कॉस्ट में हमें ये प्रोडक्ट बनाना है के बेसिस पे हम फिर टारगेट कॉस्टिंग यूज करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स टारगेट कॉस्टिंग मार्केट प्राइस डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस टारगेट प्रॉफिट मार्जिन या मार्केट प्राइस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट राइट आंसर आपका बनेगा मार्केट प्राइस और डिजायर्ड प्रॉफिट यू हैव ऑलरेडी फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी यूर प्रॉफिट एंड व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस आपने पहले ही सोच लिया कि आपकी मार्केट में इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी और प्रोडक्ट uh, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बेस्ट एग्जांपल इसके लिए अगर लेना चाहे तो टाटा का जो नैनो कार है टाटा ने जो टाटा ने नैनो कार लाया था तो बेसिकली इन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम एक लाख रुपए में कार देंगे फिर बाद में उन्होंने क्या किया एक लाख रुपए में कार देने के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया उनका प्रोडक्शन किया और उन्होंने ये देखा कि एक लाख में हम क्या क्या चीजें कस्टमर्स को दे सकते हैं बट हैव ऑलरेडी गिवन द प्राइस तो दैट इज द मार्केट प्राइस एंड डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फिर ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये अगर हम ध्यान से देखें ए बी सी लिमिटेड हैज अ करंट रेश ऑफ वन पॉइंट फाइव टू वन एंड नेट करंट असेट्स इज फाइव फाइव लैक्स ठीक है नेट करंट असेट्स मतलब अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा करंट असेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे आंसर आता है वर्किंग कैपिटल ठीक है तो ये आपको वर्किंग कैपिटल का आंसर दे दिया है यहाँ पे तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये अगर हम सॉल्व कर ले तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे करंट रेशो 1.5 है बराबर है तो करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है आपका करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी ठीक है तो ये आपका रेशो देखो क्या दिया है ये आपको रेशो दिया है वन पॉइंट फाइव ठीक है वन मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पे यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी है मतलब 1.5 आपका क्या है 1.5 आपका करंट असेट्स है वन आपका करंट लाइबिलिटी है तो 1.5 करंट असेट्स है वन आपकी करंट लाइबिलिटी है और यहाँ पे आपको नेट करंट असेट्स दे दिया है फाइव लैख ठीक है नेट करंट असेट कितना दिया है फाइव लैख वन में से वन माइनस करेंगे तो 0.5 की वैल्यू आ जाएगी जीरो की वैल्यू कितनी है फाइव लैख से तो वन की वैल्यू कितनी होगी तो आपको वन की वैल्यू ढूंढनी है तो करंट लाइबिलिटी मिलेंगे और करंट लाइबिलिटी को फर्दर आप फिर ये ये जो रेशो है आपका करंट रेशो उसमें सब्सटीट्यूट करो तो उसमें से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको करंट असेट्स की वैल्यू मिल जाएगी रिपीट करता हूँ फिर से एक बार जीरो पॉइंट फाइव की वैल्यू फाइव लैक्स है तो एक की वैल्यू कितनी होगी तो आपको कैलकुलेट करना है डिवाइड करना है फाइव लैक्स को जीरो पॉइंट फाइव से जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी करंट लाइबिलिटी फिर ये जो रेशो दिख रहा है आपको वन पॉइंट फाइव इक्वल टू वन डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी आपको करंट लाइबिलिटी में जो वैल्यू आएगी वो सब्स्टिट्यूट करनी है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करना है तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट वैल्यू विल भी फिफ्टीन लैक्स तो आपको फिफ्टीन लैक्स की वैल्यू आ जाएगी थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इनमें से कौन सी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिट नहीं है तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है वी यूजली कॉल दिस लाइबिलिटी इज एज ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट तो नंबर ए बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल एरियर्स ऑफ क्यूमिलेटिव डिविडेंट ऑन प्रेफरेंशियर्स अनकॉल्ड कैपिटल ऑन इन्वेस्टमेंट तो इफ यू सी सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे सारे के सारे आपके कॉन्टिंजेंट uh, लाइबिलिटी का पार्ट है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड नॉट मैच्योड ये भी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है एरियर्स ऑफ क्यूमिलिटी प्रेफरेंस डिविडेंड ये भी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है अनकॉल्ड कैपिटल ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बट बचता ऑप्शन एक ही है एंड दैट ऑप्शन इज अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल तो अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल ये कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं है तो इसके लिए राइट right आंसर आपका यहाँ पे बनने वाला है अंडर राइटिंग कमीशन पेबल बिकॉज यहाँ पे नॉट पूछा था नॉट अ अंजेंट लाइबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑडिटर एन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी सेज दैट कंपनी हैज नॉट प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू एट लैक फिफ्टी थाउजेंड सब्जेक्ट टू दिस रिजर्वेशन वी रिपोर्ट दैट बैलेंस शीट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज तो अगर ऑडिटर ने कुछ प्रॉब्लम्स uh, फाइंड कर लिए है कि ये सारी गलतियाँ उनके अकाउंट्स में है या अकाउंट्स में जो चीज़ें दिख रही है वैसे एक्चुअली प्रैक्टिकली वैसी चीज़ें नहीं हैं कंपनी ने न कुछ चीज़ें फॉलो नहीं की और वो भी उन्होंने प्रेजेंट कर लिया अकाउंट्स में तो बेसिकली ऐसे टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स है वो जब लूप uh, होल्स को ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है तो वो कौन से टाइप का रिपोर्ट बनाता है क्लीन रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट एडवर्स रिपोर्ट डिस्क्लेमर तो बहुत सारे बच्चे इसमें एडवर्स रिपोर्ट मार्क करके आएंगे तो

बट नॉट प्रोसेस कॉस्टिंग मे बी यूज विथ प्रोसेस बट नॉट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ट्रेंड्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉस्ट पुल्स एंड ट्रेंड्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कॉस्ट पुल्स तो काफी इंपॉर्टेंट है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कॉस्ट पुल्स तो यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर्स और कॉस्ट पूल्स की बात की जाती है ए बी सी में जो भी एक एक टाइप के कॉस्ट होंगे उसको एक एक टाइप के कॉस्ट में क्लब करके लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज पर द एक्टिविटी तो कॉस्ट पुल कॉस्ट ड्राइवर्स ये हमेशा इसमें यूज किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ स्टैंडर्ड के बेसिस पे एक्स वाईड लिमिटेड इक्विटी रेशियो रेश कम्पेयर टू वन पॉइंट थ्री इंडस्ट्री एवरेज इट मीन दैट द फर्म हैज देखो डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है कंपनी के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजिशन दिखाता है ये डेट का मतलब होता है फंड्स और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स या प्रोपराइटर तो कंपनी का डेट जो है डेट इक्विटी रेशियो कितना है है मतलब डेट कंपनी का वन पॉइंट फाइव है उसके कंपेरिजन में इक्विटी कंपनी का वन है तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रखा है वन पॉइंट थ्री का तो वन पॉइंट थ्री से वन पॉइंट फाइव जो है वो बड़ा है मतलब वन पॉइंट फाइव डेट इक्विटी रेशियो स्टैंडर्ड से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा डेट ज्यादा है कंपनी का तो दैट इंडिकेट्स वॉट हायर लिक्विडिटी हायर फाइनेंशियल रिस्क हायर प्रॉफिटेबिलिटी है हायर कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से डेट ज्यादा है मतलब आपने बहुत कर्जा लेके बैठे आप तो उसके लिए क्या होगा आपका फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है दैट इज राइट आंसर विल बी हायर फाइनेंशियल रिस्क इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आपको पता होगा कि बिजनेस जो है वो अलग है प्रोपराइटर जो है वो अलग है दोनों को हम एक साथ मिक्स नहीं कर सकते तो ऐसे कौन सा कंसेप्ट कहता है दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है तो उसको हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से भी जानते हैं बेसिकली लेकिन इनमें से वो कौन सा मैच करता है देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाइंग एंड सेलिंग ओनर्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एंड सेल ऑफ स्क्रैप तो इसके लिए राइट आंसर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको दैट इज कॉल्ड ओनर्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स तो ओनर्स कैपिटल एज वेल एज ड्रॉइंग्स आर टोटली रिलेटेड विद योर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यूजअली द डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज तो डिमांड फॉर नेसेसिटी जो भी आपकी नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स है उसका डिमांड कैसे होता है इलास्टिक होता है इन इलास्टिक होता है मतलब प्राइस का उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता ज्यादा तो दैट इज हाइली इन इलास्टिक ठीक है तो ऐसे कुछ नॉर्मल नेसेसिटीज है जो आपको कितना भी प्राइस हो तो भी आपको परचेस करना ही पड़ेंगे जैसे कि गैस का सिलेंडर हुआ तो गैस के सिलेंडर का प्राइस अभी 800 है 900 या 2000 भी हो जाएगा तभी भी हमको क्या करना पड़ेगा हमको लेना ही पड़ेगा दैट इज वाई हाईली इन इलास्टिक इज द राइट आंसर फॉर दिस द प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एडिक्टिव प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट्स एंड एल्कोहल वुड बी तो आपने प्राइज इलास्टिसिटी पड़ी होगी दैट इज परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक फिर यूनिटरी इलास्टिक रिलेटिवली इलास्टिक रिलेटिवली इन इलास्टिक ऐसे सारे कंसेप्ट उसमें आते हैं तो सिगरेट्स और अल्कोहल का प्राइज इलास्टिसिटी कैसा है वो लेस देन वन है बिकॉज वो एक सर्टन पॉपुलेशन है वो ही सिगरेट्स और एल्कोहल को कंज्यूम करता है इसके लिए उसकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी लेस देन वन होगी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैज हाईली इन इलास्टिक डिमांड तो इनमें से कौन से प्रोडक्ट का हाईली इन इलास्टिक डिमांड है तो दैट इज वाई द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसके लिए देखते हैं राइट आंसर क्या है पहले ऑप्शन देख लेंगे ज्वेलरी टेलीविजन सेट सॉल्ट या स्पोर्ट्स कार बहुत सिंपल है तो हाई रिलिस्टिक डिमांड किसका होता है सॉल्ट का होता है मतलब सॉल्ट के लिए कोई सब्सटीट्यूट नहीं है आपको अगर कोई बोले सॉल्ट की प्राइस एक हजार रुपया हो गई तो अभी आप सॉल्ट को छोड़ के दूसरा कोई सब्सिट्यूट डालिए तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम टी और कॉफी की बात करते हैं अगर टी की प्राइस बढ़ जाएगी और कॉफी की प्राइस उतनी ही है तो लोग फिर क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे तो टी है वो नहीं पिएंगे और कॉफी पे शिफ्ट करते हैं लेकिन सॉल्ट का वैसा नहीं है इसलिए सॉल्ट का डिमांड जो है वो दैट इज हाईली इनइलास्टिक तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा सॉल्ट बनेगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी तो आपको पता होगा प्राइज इलास्टिसिटी के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं तो इनमें से कौन सा प्राइज इलास्टिसिटी का मेथड नहीं है तो रेशो मेथड आउटले मेथड साइकोलॉजिकल मेथड जोमेट्रिकल मेथड तो साइकोलॉजिकल मेथड ऐसा कोई मेथड नहीं है रेशो मेथड आउटले मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड ये तीनों के तीनों आपके जो मेथड्स है दैट बिलोंग्स टू प्राइस इलास्टिसिटी बट साइकोलॉजिकल मेथड इज नॉट अ टाइप ऑफ मेथड विच इज रिलेटेड विथ प्राइज इलास्टिसिटी ठीक है यूजली आइसोक्वेंट्स आर तो आपको पता होगा इंडिफरेंस कव इंडिफरेंस कव हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है तो इंडिफरेंस कव कैसे होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है वैसे ही आपको जो भी इंडिफरेंस कव की प्रॉपर्टीज है कि इंडिफरेंस कव कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता इंडिफरेंस कव हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है एंड वाई इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन तो बेसिकली आई सिक्वेंट्स की भी वही प्रॉपर्टीज है तो इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एवरेज कॉस्ट एंड इसको रट लो काफी important sentence है। average cost और marginal cost curve क्यों होते हैं? बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट कव जो होता है वो एवरेज कॉस्ट कव को नीचे से कट करता है दैट इज द पॉइंट तो इसके लिए याद कैसे रखना है बिकॉज एमसी कव कट द ए सी कव फ्रॉम ए सी कव फ्रॉम बिलो तो मार्जिनल कॉस्ट कव एवरेज कॉस्ट कट करता है इसीलिए वो यूशेप होता है नीचे से कट करेगा मतलब ऐसा शेप आएगा कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं देखो काफी इंपॉर्टेंट है मार्जिनल कॉस्ट का क्या करेगा एवरेज कॉस्ट ऐसे नीचे से कट करेगा नीचे से कट करेगा इसीलिए वो यूशेप्ट आ जाएगा तो दैट इज इट इज शेप ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं तो राइट right आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड एडिशनल कॉस्ट इनकर ऑन प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट इज नोन एज तो काफी इंपॉर्टेंट है जो तो भी एडिशनल कॉस्ट है वो आप जो स्पेंड करते हो इनकर करते हो एक और प्रोड्यूस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दैट इज फ्रॉम दी पार्ट रिलेटेड टू बिजनेस फिनांस तो बहुत सारे अप्रोचेस है रिलीवेंट अप्रोच और इ अप्रोचेस एक मॉडिग्लेनी मिलर है जिसको हम एम एम अप्रोच कहते हैं तो आर्बिट्रेशन थियरी को आर्बिट्रेशन मॉडल के ऊपर रिलेट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट दी दॉम्पन ऑफ मिलर अप्रोच कॉर्पोरेट इनकम अज्यूम टू बी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज हंड्रेड परसेंट एंड पर्सनल लिवरेज एंड कॉर्पोरेट लिवरेज आर नॉट परफेक्ट सो राइट आंसर यहां पे बनेगा परफेक्ट लिवरेज एंड कॉर्पोरेट लिवरेज आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट बिकॉज ये मानता है कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं यहां पे नॉट बोला है इसलिए वही आपका राइट right आंसर बनेगा और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पार्ट वन का फिर अगले एमसीक्यूज हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो सारे का सेट का जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो सारे हम डिस्कस करने वाले द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कैश फ्लो इन टू प्रेजेंट इक्विटेबल्स इज कॉल्ड एज तो ये भी बिजनेस फिनांस का ही क्वेश्चन है तो कैश फ्लोज को हम प्रेजेंट इक्विटेबल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं डिस्काउंटिंग करते हैं कंपाउंडिंग करते हैं राशनिंग करते हैं या बजटिंग करते हैं तो यार वी आर यूजिंग व्हाट वी आर यूजिंग डिस्काउंटिंग फॉर दैट तो डिस्काउंटिंग मेथड हम यूज करते हैं हम टेन परसेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर ट्वेल्व परसेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर ऐसे यूज करते हैं और फिर हम कैपिटल बजटिंग में आपने देखा ही होगा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं जैसे कि ए आर आर है आई आर आर है पे बैक पीरियड है नेट प्रेजेंट वैल्यू है तो दैट इज वाई द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कैश फ्लोज इन टू प्रेजेंट इक्विटेबल्स इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग तो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे थे इस बार सेट में तो सारे के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और कंसेप्ट को भी रिवाइज करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक like करके अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रिपरेशन जो लोग सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यहाँ से बेनिफिट मिल पाए और उनका भी रिविजन हो पाए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले जो वीडियोज होंगे वो आपको टाइमली बेसिस में मिलेंगे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाई बाय टेक केयर टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर